हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सूरज और आप देख रहे हैं सूरज टेक्निकल। तो गाइस मेरे पास जो सेट है ये जियो का 320B का सेट है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें नया माइक लगाने के बाद भी इसमें मतलब साउंड मतलब यहाँ का जो साउंड है वो आगे वाले को रिसीव नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर मैंने अच्छे से स्टडी किया है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको माइक चेक कर लूँगा कि हम जो माइक यूज़ कर रहे हैं वो माइक हमारा सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं माइक चेक कर लेता हूँ माइक को अच्छे से। ये जो माइक है इसमें लगा हुआ था, यहाँ पे देखिए माइक का जो रीडिंग है वो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये माइक हमारा बिल्कुल सही है, माइक कोई इशू नहीं है माइक में। तो फिर भी नहीं हो रहा है तो उसका जो लाइनिंग है उसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। वो किस तरह करना है बनिए रहिए मेरे साथ वीडियो में, आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है, फाइंड आउट कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे मतलब निकालना है। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसका मैं आपको एक डायग्राम भी दे दूंगा इसका जो कहाँ से किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है, पहला वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ पे बीप कर रहा है, इस कैपेसिटर से होते हुए, इस कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, इस रजिस्टर के ऊपर से होते हुए वो ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई मुझे यहाँ पे मिलना है, इस जगह पे आना है। ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है, फर्स्ट जो दो कैपेसिटर दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट बीप का साउंड आना चाहिए बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ रीडिंग शो हो रहा है बट कंटिन्यू नहीं आ रहा। और दूसरा जो लाइनिंग है वो लाइनिंग है यहाँ पे, गाइस मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरा जो लाइनिंग है मैं आपको कुछ चेक कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो छोटा सा रजिस्टर होगा आपके, तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, देखिए ये बिल्कुल 100% यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका जो सेकंड वाला है, यहाँ पे जो सेकंड वाला है मैं देख सकते हैं आप यहाँ पे सेकंड वाले पे टच किया, इसका जो सेकंड वाला है यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आना चाहिए, तो यहाँ पे भी बीप आ रहा है। तो हमारा जो लाइनिंग है बस एक ही प्लस जो है ये प्लस है, यहाँ पे जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है यहाँ पे दो कैपेसिटर, ये इसमें यहाँ से इस कैपेसिटर से होते हुए इस आईसी से निकली है और इस कैपेसिटर से होते हुए इस कैपेसिटर तक आती है, अब अंदर पे जो कैपेसिटर लगा है तो यहीं पे हमारा जो लाइनिंग है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जम्पर कर लूँगा, उसके बाद माइक हम लगाएंगे, उसके बाद मैं चेक करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज यहाँ पे मैं एक जम्पर यहाँ पे लगा लूँगा, तो सबसे पहले इस जगह से आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से मतलब यहाँ से जो कैपेसिटर है इससे होते हैं यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये वाले पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला कैपेसिटर है इस पर भी आ रहा है गाइस। तो मैं यहाँ पे एक जम्पर लगाऊंगा और सीधा जो है मेरे यहाँ पे जो माइक साइड आपको दिखा रहा हूँ, माइक साइड में जो यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टर लगा हुआ है कंपोनेंट, इस पर जम्पर कर दूंगा। तो इससे क्या है, इसका जो सप्लाई है वो कहीं ओके हो जाएगा, बीच में से कहीं ट्रैक मिसिंग, उसके बाद हम फिर से माइक लगाएंगे एक बार, फिर से मैं आपको चेक कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं जम्परिंग कर लेता हूँ उसको आपको, उसके बाद दिखाऊंगा फिर माइक लगा के फिर लाइव कॉल करके चेक करके बताऊंगा इसमें। हेलो 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 हेलो। तो गाइस देखिए यहाँ पे ऑन कॉल है, जो पहले आवाज नहीं आ रहा था अभी सप्लाई जा रही है, देखिए आउटपुट सप्लाई मिसिंग थी उसको हमने जोड़ दिया। चलिए जब यहाँ पे किया स्टॉप दिखा देते फिर से एक बार। सबसे पहले जो है फोन को बंद कर लेता हूँ और फिर हमारा जो जम्पर था जम्पर को देख लेते हैं यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो जम्पर हमारा, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जम्पर है वो पूरी तरीके से पे लगा दिया है। और ये जम्पर मैंने लगाया है डायरेक्ट माइक पे, क्योंकि मैंने पूरा माइक ही जम्पर करके लगाया है, तो
माइक का जो पॉइंट था उस पर जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये वाला आपको दिखा देते हैं, इस पर जो दूसरा पॉइंट माइक देखिए यहाँ पे ये ई वोट सही है और इसको मैंने अभी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसका जो सप्लाई है जो मैंने माइक का फर्स्ट प्रिंट पे जहाँ पर मैंने जम्पर किया है वो मतलब सप्लाई वहाँ पे है कि नहीं है कंटिन्यूटी जम्पर आ गया से काम हमारा 100% सक्सेस हो गया। तो आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।